हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज भाई अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, राइट। इससे पहले 3 चैप्टर अपन कवर कर चुके हैं भाई, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो या यूट्यूब पे टाइप कर देना, यूट्यूब पे सर्च बार में लिखना न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय AK, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय AK। जैसे ही आप लोग ये टाइप करते हो आपके सामने न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, जाके वीडियोस देख सकते हो। तो आज आप स्टार्ट कर रहे हैं भाई न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। पहली बात तो ये सिंपल सी है कि आप लोग जितना पढ़ के आए हो ना वो सारा रिवाइज होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जर्नली अपने को पढ़ना क्या है, इसके अंदर जर्नली अपने को डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे भाई, जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक्स की 2.5 के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी ये बता दो, ठीक है। अभी तक अपने पास ये था कि एक्स की वैल्यू 2.5 है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब यहाँ पर जर्नली आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोगों से एक्स की 2.5 के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होगी ये बता दो, या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू होगी ये बता दो, ठीक है। एक बार ही डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव, चार बार डेरिवेटिव, इस चैप्टर के अंदर जर्नली आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक आप ये करते आ रहे थे कि एक्स की वैल्यू दे देगा और कहेगा कि इसके ऊपर वाई की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब आप लोगों को क्या करना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर, एक्स की ये वैल्यू दे देगा और जर्नली आपसे डेरिवेटिव की वैल्यू पूछेगा। किसकी वैल्यू पूछेगा, डेरिवेटिव की वैल्यू पूछने वाला है, ठीक है। चीजें वही है, कंसेप्ट सेम रहेगा, जस्ट सिंपल सी बात क्या है, आप लोगों को डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी किसी एक्स के लिए, ठीक है। क्या करना होगा, किसी एक्स के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब ऊपर कंसेप्ट देखो, डेफिनेशन लिखी हुई है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सम असाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यही तो मतलब है कि किसी एक्स वैल्यू के ऊपर, जैसे 2.5, 3.5, ये एक्स नोट लिखा हुआ और एक्स एन लिखा हुआ है, जैसे आप यहां पर एक्स लिखते थे, यहां पर वाई लिखते थे, ये और समझ लो, ये मेरे पास एक्स नोट है, ये मेरे पास एक्स वन है, ये मेरे पास एक्स टू है एंड अप टू एक्स एन। तो यही तो बोल रहा है, किसी एक्स की असाइंड वैल्यू के ऊपर जो अपने पास डेरिवेटिव है, ठीक है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी वो अपने को इस चैप्टर के अंदर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यही डेफिनेशन है कि किसी डिफाइन वैल्यू, कुछ भी हो सकती है भाई, एक्स वन हो सकता है, एक्स टू हो सकता है, इनके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है, उसके ऊपर जर्नली अपने को क्या करना होगा, जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो अपने को क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। रूल सिंपल सा रहेगा क्या, देखो एक बारी मैं आपको बताता हूँ आगे। अब जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है ना, इसके अंदर भी आप लोगों को दो इंटरवल देखने को मिलेंगे, एक तो इक्वल इंटरवल और एक आप लोगों को अनइक्वल इंटरवल देखने को मिलेगा। इंटरवल से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि इनके बीच का गैप अगर सेम है, सॉरी इनके बीच का अगर गैप, जैसे एक्स नोट एक्स वन, इसको क्या बोलते हैं जर्नली, एच ही तो डिनोट करते हैं, अगर ये डिफरेंस सेम है तो आप इसको इक्वल इंटरवल बोलते हैं। तो इक्वल इंटरवल देखने को मिलेगा या आप लोगों को अनइक्वल इंटरवल देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप लोगों के पास इक्वल इंटरवल हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और थर्ड वन इज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये जो आप चैप्टर पढ़ गए हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इन फॉर्मूलोज, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको जर्नली आप इक्वल इंटरवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पढ़ने क्या क्या होंगे आपको, एक तो फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ना है, न्यूटन बैकवर्ड पढ़ना है, और इसके अंदर या तो आप स्टेलिंग या बेसर, इनमें से एक कर लो, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों से होंगे, स्टेलिंग से भी गिवन मिलेगा, बेसल से भी गिवन मिलेगा, ठीक है, बेसल्स फॉर्मूला। तो जर्नली आपको इक्वल इंटरवल के लिए ये चार फॉर्मूले पढ़ने होंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्टेलिंग फॉर्मूला और बेसल फॉर्मूला, राइट। जब बात आती है अनइक्वल इंटरवल की तो यहाँ पर भाई आप लोगों के पास दो फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है आप लोगों के पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और सेकेंड फॉर्मूला है आप लोगों के पास लैग्रांज फॉर्मूला, ठीक है। अब बात आती है कि अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है,
तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। पहला डिफरेंस तो आपको ये करना होगा कि जो मेरे पास गिवन इंटरवल है वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल है तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं, अनइक्वल है तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखना भाई। आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तो आई थिंक बनानी आती होगी, सेंट्रल के अंदर भी टेबल बनानी सीख चुके हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज करना है, तो अगर मैं यहां से चलूं और उस वैल्यू के पास, मान के चलो अगर आप लोगों से कह दे कि डेरिवेटिव है एक्स वन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके मतलब एक्स वन के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करो। अगर आप ऊपर से जाते हो तो एक्स वन के पास जल्दी पहुंचोगे ना, तो यहां पर आप यूज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर मैं पीछे से चलूं, ठीक है, कहां से चलूं, पीछे से, यहां पर वैल्यू है एक्स, ये लगा लो यहां पर कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाना है मेरे को, तो पीछे से चलूंगा जल्दी पहुंचूंगा ना, तो यहां पर आप न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। और वैल्यू कहीं ना कहीं मेरी सेंटर में लाई कर रही है, कहां लाई कर रही है, सेंटर में, तो उस केस में भाई आप स्टेलिंग या बेसल फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, यहां पर जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में लिखा हुआ होता है कि आपको जो ये क्वेश्चन है किस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब मेन थिंग इज दैट आपको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या था वो याद होना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ के आए हो, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप अगर बीच में से देख रहे हो तो वही मैं कोई गारंटी ले नहीं सकता। न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ जाएगा, जो पहले फॉर्मूले करवाए थे उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, राइट। क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हेडिंग डालो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव derivatives using Newton's formula, Newton forward interpolation formula, forward interpolation formula। Notes हमको भी बनाने पड़ते हैं भाई पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं एक बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बहुत बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में आज अगर डेट की बात करें तो आई थिंक 23 हो गई है, 23 सितंबर 2022 आज ये डेट है। और आज भाई हमारे तीन बैच चल रहे हैं, एक बैच चल रहा है 3:15 स्टैटिक्स का, ये सेकंड ईयर वालों के लिए है, एक बैच चल रहा है अपना 6:15 एडवांस कैलकुलस का, और 1:15 ये अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो आप क्लास देख रहे हो। तो ये तीन बैच चल रहे हैं, साथ में फिजिक्स और जो अपने मैथ बच के उनकी भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो नोट्स हमें भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उन नोट्स में से पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको कोई डाउट आता है तो इन दैट केस यू कैन सेंड मी योर डाउट ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज क्रिएटिव स्टडी AK, विदाउट स्पेस टाइप करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर जाके क्रिएटिव स्टडी AK। तो अब देखो भाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, क्या है भाई उसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट प्लस यू माइनस वन डेल स्क्वेयर वाई नोट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट प्लस u माइनस वन u माइनस टू u माइनस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में डेल की पावर 4 वाई नोट एंड अप टू 100। तो ये अपने पास क्या होता है भाई, एज वी नो दैट, सबसे पहले तो लाइन ये लिखते हैं आप, एज वी नो दैट न्यूटन
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज दिस। सबसे पहले ये लाइन आपको लिखनी होगी, फॉर्मूला लिख के ये वेयर वेयर, या यही लिख देते हैं इसी साइड, वेयर यू इज इक्वल टू, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ये आप लोगों को भाई पता है यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के पास। तो अब अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो अपने को dy by dx निकालना है। क्या निकालना है, dy by dx। अब इसके लिए देखो चेन रूल होता था अपने पास, क्या होता था चेन रूल, y किसका फंक्शन है u का और u किसका फंक्शन है x का, y किसका फंक्शन है u का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू u क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, और u किसका फंक्शन है x का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भाई मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाला हूं। अब कैसे लिखा, देखो चेन रूल तो आई थिंक आपको आता ही होगा, u किसका फंक्शन, y किसका फंक्शन है u का, तो जो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, u किसका फंक्शन है x का, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास dy by du आ जाएगा और du by dx आ जाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है, जगह मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो dy by dx क्या होगा, ये होगा dy by du और du by dx, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड होगी, इसके ऊपर बॉक्स बना दे। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इस इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करो। चलो करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी यू क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, डी वाई बाई डी यू, ये वाई नोट है ये तो जीरो ही हो गया, प्लस विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे डेल वाई नोट प्लस, विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले काम करो इस पूरी टर्म को, जो ये टर्म है ना इनको सोल्व कर लो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट प्लस यू के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्केयर माइनस यू अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नोट प्लस। अब इसके अंदर मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो यू स्केयर माइनस यू आ गया, और यू स्केयर माइनस यू की आप यू माइनस टू के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई भी मैंने पहले की हुई है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यू क्यूब माइनस थ्री यू स्केयर प्लस का टू यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आ गया डेल क्यूब वाई नोट प्लस। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा यू की पावर फोर माइनस सिक्स यू क्यूब प्लस इलेवन यू स्केयर माइनस सिक्सटी फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल की पावर फोर वाई नोट एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करोगे तो आसानी से हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, तो करो डिफ्रेंशिएट। इसका करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ये मेरे पास आ गया डेल वाई नोट प्लस, ये क्या आया टू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नोट प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री यू स्केयर माइनस सिक्स यू प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, साथ में ये आ गया डेल क्यूब वाई नोट प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फोर यू क्यूब माइनस एटीन यू स्केयर प्लस ट्वेंटी टू यू अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू में डेल की पावर फोर वाई नोट डब टू सो। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, जैसे एक्स की पावर सिक्स है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप किसके विद रिस्पेक्ट में, एक्स के विद रिस्पेक्ट में, तो करते कैसे हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यू के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू वाली टर्म एज ए वेरिएबल एक्ट करेगी, बाकी सारी एज ए कॉन्स्टेंट एक्ट करेगी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया डी वाई बाई डी यू आ गया। अब नेक्स्ट है डी यू बाई डी एक्स,
ये अपने पास चेन रूल है, डी वाई बाई डी यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया, डी यू बाई डी एक्स भी करेंगे, तो यू ये रहा, इसको क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वन बाई एच तो बाहर है, कॉन्स्टेंट निकाल ली, मतलब वन बाई एच को बाहर लिख लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, एक्स का किया वन आ गया और ये मेरे पास जीरो आ गया, तो ओवरऑल मेरे को क्या मिला, वन बाई एच मिला। ठीक है, अब लिखना क्या है मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी यू लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू लिखना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी यू ये रहा मेरे पास, लिखो इसको, डेल वाई नोट प्लस टू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट प्लस थ्री यू स्क्वेयर माइनस सिक्स यू प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट प्लस, आगे लिखो, फोर यू क्यूब माइनस एटीन यू स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी टू यू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल की पावर फोर वाई नॉट प्लस एंड अप टू सो। ये क्या लिख दिया भाई मैंने, ये लिख दिया डी वाई बाई डी यू, जो डी वाई बाई डी यू आपने फाइंड आउट किया था इसको एज इट इज लिख दिया। अब डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है, वन बाई एच इंटू में वन बाई एच, तो जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर तीन होगी, चार इसको पांच लिख लो और इसको चार लिख लेना। ठीक है, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, ये जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ आई है, सॉरी इक्वेशन नंबर जो फिफ्थ आई है वो जनरली फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, राइट। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करो इन केस ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो आपको भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। पहला तरीका तो ये है कि इसको रट लो, दूसरा तरीका है कि इसको समझ लो। ठीक है, समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिखाई दे रहा होगा यार, हाँ दिखाई दे रहा है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए पता है क्या करते हैं, इसको एक बारी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, एक बारी और देखो, करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, क्या करो, इसको एक बारी और यू के विद रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, एक बारी आपने कर दिया, इसको एक बारी और यू के विद रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंस करो, ये मेरे पास जीरो आ गई। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो जीरो आ गया, यहां पर क्या आ गया, ये आ गया टू अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई नोट प्लस, यहां पर क्या आएगा भाई, ये आएगा सिक्स यू माइनस सिक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट प्लस, ये आएगा ट्वेल्व यू माइनस थर्टी सिक्स यू प्लस का ट्वेंटी टू अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू में डेल की पावर फोर वाई नोट प्लस। अब इसको तो आपने विद रिस्पेक्ट टू यू पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, यानी कि एक और एच के साथ मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड टाइम करोगे तो एक बारी और एच के साथ वन बाई एच के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पहले वन बाई एच था, एक बारी और वन बाई एच के साथ करेंगे तो ये वन बाई एच स्क्वेयर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स आई है ये आप लोगों की भाई सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इन केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्या आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इन केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। टू से टू कट गया, ठीक है, तो ये डेल स्क्वेयर वाई नोट ही बचेगा। ठीक है, टू अपॉन टू फैक्टोरियल है तो इससे कंफ्यूज मत होना, टू अपॉन टू फैक्टोरियल ही, ये वन ही होगा। अब अगर आप लोगों से कहे कि थर्ड डेरिवेटिव निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका एक बार, अगर यहां पर आप लोगों को बोलता है कि थर्ड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो बिल्कुल आसान काम है यार, कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ के आए हो ना सारा यही अप्लाई होगा और ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, या इनको मैंने याद किया ही नहीं, एक याद कर लो बात खत्म। ठीक है, समझ लो, याद करने से तो अच्छा है समझ लो, डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये जीरो है, ये तो जीरो होगा ही, प्लस ये क्या होगा भाई, ये होगा मेरे पास सिक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया डेल क्यूब वाई नोट प्लस, ये क्या होगा भाई, हाँ ये देखो
स्क्वेयर रह गया। हाँ ये स्क्वेयर आएगा, ठीक है ठीक कर लेना, क्योंकि 3 आगे आएगा 12 यू स्क्वेयर होगा, ठीक है माइनस का 36 यू। हाँ अब ठीक है, ये होगा 24 यू माइनस का 36 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू में डेल की पावर 4 वाई नॉट एंड अप टू सो ऑन। अब देखो 1 बाय एच स्क्वेयर है ना, तो थर्ड टाइम कर रहे हैं तो 1 बाय एच क्यूब आएगा। अब फोर्थ डेरिवेटिव कहीं तक निकलवा लो यार, अब तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भाई डेरिवेटिव के अपने पास क्या है, फॉर्मूले हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चन और बताते हैं कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा रूल रहेगा, बता देते हैं एक बारी, ये दो फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, इनकी जरूरत पड़ेगी, थर्ड निकालना होगा तो देख लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना इसका ले सकते हो। क्वेश्चन देखो भाई, अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f टैबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.1। यानी कि x इज इक्वल टू 1.1 के ऊपर अपने को क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है भाई, इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, स्ट्रीलिंग, बेसल, लैग्रांज, किससे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के अप्रोच कैसे करना है, सबसे देख पहले देखो जो 1.1 है वो कहाँ लाई कर रहा है, 1.1। उससे भी पहले एक चीज है, सबसे पहले चेक करना होता है इक्वल इंटरवल के लिए है या अनइक्वल इंटरवल के लिए है। तो इंटरवल देखो 1 है, फिर 1.2 है, 1.4 है, 1.6, 1.8, फिर 2 है। यानी कि अपने पास जो h है वो क्या है, 0.2 है, यानी कि इंटरवल कैसा है, इक्वल है। तो इक्वल इंटरवल के अंदर भाई अपने पास न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, अभी किए नहीं है, जस्ट फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, बाकी मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे करनी है। फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, स्टेलिंग और बेसल, राइट। तो अब देखो सबसे पहले 1.1 कहाँ लाई करता है, अगर मैं ऊपर से चलूँ तो 1.1 के ऊपर बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो ऊपर से चलने के बाद, ऊपर से चलने के बाद 1.1 पे जल्दी पहुंच रहा हूं, तो यहां पर भैया अपन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो मैंने ब्लू मार्कर के साथ बनाया, ये टेबल आपको गिवन थी, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, न्यूटन जो अपने पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो बना ली, ठीक है। क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो मैंने बना ली, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ लिख दिया। ये तो आई थिंक आप कर ही लोगे, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ कि अपने पास जो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल है वो कैसे बनाते हैं, तो डिटेल में मैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर करवा चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने ये टेबल डायरेक्ट बना दी। तो सबसे पहले आपने टेबल बना ली, कौन सी, अगर आप फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी, क्योंकि अगर ऊपर से चलते हैं तो 1.1 के ऊपर जल्दी पहुंचते हैं, तो यहां पर अपनी कौन सी टेबल बन रही है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये मैंने क्या बना ली, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, लिख भी सकते हो यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। ये मैंने क्या बना ली भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली। अब उसके बाद देखो क्या बोला है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए मेरे को यू की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, और जरूरत किसकी है, तो मेरे पास जो यू है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब एक्स क्या होता है, जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है, एक्स मेरे पास क्या होता है, जो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट क्या करनी है, 1.1, तो यहां पर 1.1 एक्स नोट, ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, इसको एक्स नोट बोलते हैं, और एच इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 0.2 का है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी भाई वो मिलेगी 1/2, ठीक है। तो यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2, यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो यहां पर लिख लेता हूं कि जो मेरे पास यू है उसकी वैल्यू आई 1/2। अब क्या करो, जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, क्या करना है, जस्ट फॉर्मूलेज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, करो वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डीवाई बाई डी एक्स की हेल्प से, तो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले डेल वाई नोट, तो ये मेरे पास क्या है, लिखे मार्कर के साथ, ये है मेरे पास डेल वाई नोट, ये है डेल वाई वन, ये है डेल वाई टू,
ये है डेल वाई थ्री, ये है डेल वाई फोर, ये है डेल स्क्वेयर वाई नोट, डेल स्क्वेयर वाई वन, डेल स्क्वेयर वाई टू, डेल स्क्वेयर वाई थ्री। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इनको लिख लेना, लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अपने पास डेल फोर वाई नोट है, तो क्या पुट करना है सबसे पहले, डेल वाई नोट। डेल वाई नोट क्या है मेरे पास, 0.1280 प्लस 2 इंटू यू है, ठीक है, 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में डेल स्क्वेयर वाई नोट। डेल स्क्वेयर वाई नोट की वैल्यू ये रही भाई 2.2880 प्लस उसके बाद 3 यू स्क्वेयर यानी कि 1/2 का स्क्वेयर माइनस 6 यू की जगह 1/2 रख दिया और प्लस का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में डेल क्यूब वाई नोट। डेल क्यूब वाई नोट क्या है मेरे पास, 0.0480 प्लस, ये रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि डेल फोर वाई नोट क्या है, 0, तो यहां पर पुट करोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट में बंद करने के बाद बाहर क्या है 1/h और h क्या है मेरे पास यहां पर 0.2 इंटू में 1/0.2। तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करना है, सोल्व कर लोगे आसानी से। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसकी वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 0.630, ठीक है। तो dy by dx at x is equal to 1.1 अपने पास वैल्यू क्या आई है फर्स्ट डेरिवेटिव की, 0.630। अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं भाई। अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो क्या करो, ये अपने पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज, पुट करोगे डेल स्क्वेयर वाई नोट क्या है मेरे पास, ये रहा 2.2880 प्लस 6 यू क्या है 1/2 माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। डेल क्यूब वाई नोट क्या है मेरे पास, ये रहा 0.0480 प्लस। अब आगे पुट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसकी जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी। इनटू में क्या करोगे 1/h स्क्वेयर, 1/h स्क्वेयर यानी कि 1/0.2 का स्क्वेयर, और 0.2 का स्क्वेयर क्या है मेरे पास, इसको सोल्व करना होगा जस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से। साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है, आप लोगों को पता भी होगा कि ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है, बहुत बार बता भी चुका हूँ, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये पेपर के अंदर अलाउड होता है। तो इसकी हेल्प से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो मेरे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आएगी 6.60, राइट। तो यही अपने को कैलकुलेट करना था भाई, क्या कैलकुलेट करना था, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यूज हैं वो अपने को क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास ये आई है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास ये आई है, तो यही अपने को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये अपने पास भाई जो फर्स्ट टॉपिक था, कौन सा, डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कि आप लोगों को प्रीवियस पार्ट अच्छे से आना चाहिए, जो आप लोगों के पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं ना, वो चारों चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। उनके अंदर जो सबसे मेन बात थी वो थी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलाइज जो थे अपने पास वो क्या होते हैं और उनको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, जस्ट मान के चलो आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, बात खत्म, ठीक है। 3 बार डेरिवेटिव पूछा हो 3 बार डेरिवेटिव कर दो, 1 बार डेरिवेटिव पूछा 1 बार डेरिवेटिव कर दो, 2 बार डेरिवेटिव पूछा 2 बार डेरिवेटिव कर दो। तो ये अपने पास था भाई डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।